गयान सफर जी, हेलो क्या हेलो, हाल है आपका? हेलो, हाउ आर यू? क्या अच्छा हाल है आपका? अच्छा ये मेरा जी सवाल है कि वेस्टर्न कंट्री जैसे कनाडा है, यहाँ पे इंडिया पाकिस्तानी ज्यादा रेसिस्ट होते हैं या वेस्टर्न क्रिश्चियन ज्यादा रेसिस्ट होते हैं? देखिए, रेसिस तो गोरे हैं यहाँ पर, मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं है बिल्कुल भी। क्या मेरे साथ आज तक रेसिज्म हुआ है? 2-3 दफा हुआ होगा शायद। मैं 25 साल से यहाँ रह रही हूँ और मैं ज्यादातर बीच में गोरों के ही रही हूँ, देसियों में इतना नहीं है। मेरे हिसाब से तो मुझे हमारे देसी ज्यादा वो लगते हैं, क्योंकि वो हमेशा ही होते हैं गोरे ये कर रहे हैं, गोरों के साथ यूं नहीं करो। स्पेशली जो पाकिस्तानी फैमिलीज होती हैं, गोरों के साथ हैंग आउट नहीं करो स्कूल में, ये हमारा खराब कर देंगे हमारी लड़कियों को, ये वो। तो मतलब वैसा नहीं, मतलब जैसे फिल्म इंडस्ट्री में डार्क लोगों को, जैसे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और इंडिया फिल्म इंडस्ट्री, और डार्क लोगों को अलाउ घुसने भी नहीं देते ये लोग, लेकिन हॉलीवुड मूवीज में तो काफी हाँ, लोग डार्क लोग हैं, तो उस अरे हिसाब से हॉलीवुड मैं देख रहा हूँ छोड़ो, क्या? हमारे यहाँ जो टेलीविजन है यहाँ पे, जितने भी न्यूज ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो सारे देसी हैं, सारे इंडियंस आपको दिखेंगे, ज्यादातर इंडियंस या पाकिस्तानी। अब तो हिजाब ने, हिजाब वाली भी बैठी है वहां पे, न्यूज पढ़ रही है, यू नो थिंग्स आर हैपनिंग। सो मुझे वो चीज पहले दिखती थी जब मैं मीडिया वगैरह में गई हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पर। तो आई रिमेम्बर कि अपनी लड़कियों को, मैं बैकग्राउंड वर्क करती थी ना, तो गोरियों को आगे रखते थे और हमको पीछे रखते थे। मगर ये मैं 15-20 साल पुरानी बात कर रही हूँ, राइट? तो तब से अच्छा लेकर अब तो बहुत चीजें चेंज हो गई हैं। अब तो बहुत लोगों को चांसेस देते हैं। अगर आप औरत हो, ब्राउन हो, सिंगल सिंगल मदर हो, या आप इंडिजिनियस हो, यू नो नेटिव इंडियन हो, तो या LGBTQ के हो, तो आपके पास सारे कार्ड हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में कांटेक्ट चलते हैं बस, और किसको जानते हो। और अगर आप नहीं जानते हो तो फिर आप पे सभी हाथ फेरेंगे, कोशिश हर कोई ट्राई करेगा। हमारे यहाँ पे एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी है ना, तो वो जब वो डार्क है तो वो बोलता है कि मुझे एक्टर बनना है, तो लोग उसको चिढ़ाते हैं, तूने अपनी शक्ल देखी है ऐसे? तो वहां पे भी ये ऐसे चलता है अगर कोई डार्क बोले? पाकिस्तान में भी है ये चीज कलर को लेकर। तो हमारे साउथ एशिया में बहुत वो चीज होती है ना कि गोरा रंग है तो अच्छा है, गोरी चमड़ी से इनको पता नहीं क्यों इतना प्यार है। हमें भी था, हमें भी होता था कि हम गोरे गोरे ही रहे, गोरी गोरी रहे। तो मैं तो वैसे ही, मेरा रंग जो है ज्यादा फेयर है। हम तो यहाँ टैन करते हैं, क्योंकि यहाँ आते हैं तो गोरे कहते हैं हमें, काला होने। तो जिसके पास अच्छा जो वो चीज हाँ नहीं होती ना, हाँ, गोरों में गोरे यहाँ पे सारा दिन सन में बैठे हुए होते हैं, काले होने के लिए वो टैनिंग लोशन लगाकर टैनिंग बूथ में जा रहे होते हैं, यू नो। तो इट्स जस्ट दी ऑपोजिट। अब हमें भी वहां ही होता था, यहाँ सूरज से बचो, सूरज से बचो। अब यहाँ पर हम बिकिनी पहन के बाहर बैठ के सूरज में टैन टैन कर रहे होते हैं। आपकी जो स्किन होती है ना, टैन स्किन आपकी अगर होगी, तो आपकी बॉडी जो है वो वेल डिफाइंड लगेगी। गोरे इतना वो नहीं है, अच्छा मगर अब आप देखोगे जितने भी फिटनेस कॉम्पिटिशन होते हैं, वो लोग इतने डार्क क्यों होते हैं, क्योंकि आपके मसल्स, जब आप उस पर ऑयल लगाओगे ना, उसकी डेफिनेशन बहुत अच्छी दिखती है जब आप डार्क होते हो। तो यहाँ पर अच्छा लोग इस वजह से भी करते हैं कि अगर डार्क हो गए तो आप फिर थोड़े से स्लिम लगते हो। हाँ ये तो। हाँ, और कुछ? और जैसे अभी मतलब जैसे ड्रग्स का है, तो ये ड्रग्स बैन कर देना चाहिए या ऐसे चलना चाहिए क्योंकि रिलैक्सेशन होता है, ये इस पे क्या कहना है? देखो, मैरुआना जो है वो ड्रग थी, मगर अब इतनी वो ड्रग नहीं है यहाँ पर, इसी वजह से लीगल किया गया है उसको, क्योंकि बहुत अरसे से ये लोग कैंसर पेशेंट्स के लिए तो यूज कर ही रहे थे, और भी बहुत सारी चीजें इसके लिए यूज कर रहे थे। तो दैट्स वाई आई डोंट थिंक कि मैरुआना शुड बी इलीगल। बहुत लोगों को इससे प्रॉफिट भी हो रहा है और बहुत सारे लोगों को मदद भी हो रही है। मैं यही तो बता रही थी कि सिर्फ इंसानों को नहीं, कुत्तों को भी, जिनको सीजर्स होते हैं ना, सीजर होता है, तो उनको भी दी जाती है ये दवा, और उससे उनके बहुत फायदे हुए हैं। They do, it does अच्छा help them. आपके ये जैसे पाकिस्तानी एक एक्ट्रेस है ना सबा कमर, जानते हैं आप सबा कमर? जी, तो अभी मतलब फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री मतलब प्रोग्रेस कर रही है या फिर रुक गई? जहां तक पहले मैंने देखा था, लाइक टिल फ्यू इयर्स तो सही कर रही थी, अच्छी हो गई थी। अब मीडिया हाउसेस ऐसे आ गए हैं, प्रोडक्शन हाउसेस जो अच्छी मूवीज बना रहे थे। क्या बहुत मीनिंगफुल बना रहे हैं? यानी नहीं वो, मगर
प्रोडक्शन के हिसाब से अगर आप देखो सीन्स कैमरा ऑल दिस स्टफ यू नो वार्डरोब मेकअप इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। स्टोरीज पे अभी बहुत इनको काम करने की जरूरत है क्योंकि अभी भी जितनी भी ये लोग टेलीफिल्म वगैरह बनाते हैं हर किसी में बस यही है कि शादी कर लो शादी करवा दो शादी 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 हाँ पे ही भाई फोकस हुआ हुआ है। हाँ बस वही रोमांस और ये वो या फिर चूतिया किस्म की कॉमेडी होती है। मगर अगर आप वैसे सिनेमा के इफेक्ट्स के हिसाब से देखो करो तो ऑब्वियसली इट इज इम्प्रूव्ड। बीच में आने शुरू हुई थी अच्छी मूवियां जैसे एक थी वार आई थी एक खुदा के लिए आई थी और एक और वो थी बोल जो आई थी। तो दीज आर द काइंड ऑफ मूवीज जो मैं पसंद करती हूँ मुझे ये चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। ड्रामे जो हैं पाकिस्तान के वो फिर भी थोड़े बेहतर हैं उसमें। मेरी माँ देखती रहती है ना सारे ड्रामे तो मुझे बता देती है कि किस चीज पे उस पर बहुत सारे सोशल इश्यूज पे फोकस किया जा रहा है एंड विच इज गुड। मगर अगर कुछ ज्यादा थोड़ा सा बोल्ड होता है तो फॉरेन लोग आ जाते हैं कि नहीं भाई इस पे तो बात नहीं करनी चाहिए यू नो सो। अच्छा चलें जी आगे चलती हूँ मैं। थैंक यू सो मच गयान ओके सफर थैंक जी यू नेक्स्ट टाइम आप जरूर आइएगा। ओके बाय बाय।